வக்ரதுண்ட மகாகாய சூரிய கோட்டி சமப்ரபா நிரவிக்னம் குருமே தேவோ சர்வ காரியேஷு சர்வதா சர்வ காரியேஷு சர்வதா சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே த்ரம்பகே கௌரி நாராயணே நமோஸ்துதே நாராயணே நமோஸ்துதே. சைராம் वैसे मुझे केवल एक घंटा मिला है. मैं बाबा की वो लीलाएं आप सोच सकते हैं कि जिस ग्रंथ में बाबा की पूरी जीवनी आई है, करीब करीब 9500 पंक्तियां मूल मराठी श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ में लिखी है. और यही वो बाबा ने दिया हुआ अनमोल खजाना है जो हम सब भक्तों के लिए बाबा छोड़ के गए हैं. उसका गुणगान करने का मौका आपके इस नगरी में हम सबको मिला है. बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं. मुझे आपके तेलुगु तो आती नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज बाबा की वो मूल मराठी साई सच्चरित्र ग्रंथ जो है उस ग्रंथ को आप तक पहुंचाऊ. और मुझे जिस पावन भूमि से ये प्रेरणा मिली है उस भूमि के बारे में भी आपको बताऊं. आइए, सबसे पहली बात तो मैं साई टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. वो इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया, वो इसलिए नहीं कि ये फंक्शन कर रहे हैं, वो इसलिए कि जो काम पूरे विश्व में होना चाहिए, जो समय की डिमांड है, समय की जरूरत है, वो सबसे पहले आपने शुरुआत की है. इसलिए पूरे हैदराबाद के साई भक्तों को मैं जोरदार अभिनंदन तालियों के बीच में करते हैं. वो इसलिए दोस्तों, बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाबा कुछ तो चाहते हैं. बाबा ने अपनी चाह श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ में लिख के दी है. पर सच बताओ दोस्तों, बाबा ने जाते जाते अपने आदेश से जो ग्रंथ लिख दिया जिसको कुबेर खजाना कह सकते हैं, वो आज कहीं भी मंदिर में जाओ एक कपड़े में लपेट के किसी कोने में पड़ा हुआ रहता है. और बाबा ने अपनी इच्छा शक्ति से बना के लिया था ये. इसमें बहुत सारी अनमोल बातें हैं. केवल एक घंटा है. आइए, साई कथा वो होती है जो सुने तो जिंदगी की व्यथाएं दूर भाग जाए, जो सुने तो दर्द बाहर निकल जाए, जो सुने तो आनंद आनंद परमानंद की अनुभूति हो जाए, उसको कहते हैं साई कथा. हम सब भाग्यशाली है. यही प्रार्थना के साथ आज हम तेरे चरणों में गुजारिश करते हैं कि ये जो सत्संग का मौका दिया आपने सबको, ये हमें यहाँ इकट्ठा किया है, तेरे बच्चे तेरे भक्त इकट्ठा आए हैं, एक जगह आए हैं, हम सबको भर भर के आशीर्वाद दे. इसी प्रार्थना के साथ आइए हम बाबा को बुलाते हैं. और मैं कहता हूं कि आप भी मेरे साथ बाबा का नाम स्मरण कीजिए. बोल श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. साईराम 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 साईराम. नमो नमो साई नमो 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 साई नमो 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 साई नमो 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 साई नमो नमो. साई राम राम राम
साई राम 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 साई राम 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 साई राम साई राम 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 साई राम 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 साई राम 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 साई राम राम साई साई और केवल साई। पूरी दुनिया दीवानी होती जा रही है, लगता है साई युग आ रहा है, पर जानते हो ये साई शब्द किसके दिल को भाता है, किसे अपना लगता है, किसको सुकून प्राप्त होता है? तो बाबा कहते हैं साई सत चरित्र के मराठी मूल ग्रंथ 13 चैप्टर लाइन नंबर 11 में बाबा ने बता दिया, मेरा नाम किसे मीठा लगेगा। आइए टटोलते हैं आज, ये रेडी रेकनर है, ये आईना है, हमें अपने आप को टटोलने का बाबा के नजरिया से। बाबा कहते हैं मेरा नाम किसे प्यारा लगेगा, साई राम 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 साई राम 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 साई राम 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 साई राम 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 साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम 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 साई राम 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 साई राम 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 साई राम साई राम 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 साई राम 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 साई राम 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 साई राम। साई भक्तों, बाबा ये भी कहते हैं, हम सोचते हैं आज तो हम फंक्शन में गए, बाबा के सच्चरित्र महोत्सव में गए, मेरे जैसा सोचता है आज तो मैं हैदराबाद जाके बाबा की कथा कर रहा हूं। एक बात और ध्यान में रखना, यह हमारा भ्रम है, क्योंकि बाबा ने साई सत चरित्र में यह लिख के दे दिया है, जो भी होता है वो मेरे आदेश से होता है। माझी कथा मीच करावी भक्तें चाही मीच पुरवावी, मेरी कथा मेरा उत्सव मेरा काम मैं स्वयं कर लेता हूं। आइए बाबा, तेरे भक्त तेरे दरबार में खड़े हैं, बड़ी आस लेकर आए हैं बाबा, आप आइए, आज का ये आनंद ऐसा विभोर कर दे कि हमारे जीवन में आज के बाद दुख का एहसास ही ना हो। बोल श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं दिल से बुलाता हूँ पर मेरे बुलाने से बाबा नहीं आने वाले, पर आप जब बुलाएंगे, क्योंकि आपकी भक्ति आपके चेहरे पर नजर आ रही है, आपके दिल से उमंगे मुझे मिल रही है, जरूर बाबा आएंगे। बस बाबा को बुलाते हैं, बाबा आपकी कथा आपका प्रोग्राम आपका उत्सव, आप आएंगे तभी तो मजा आएगा ना। जिसको ऐसा लगता है वही तालियों के साथ मेरे साथ जुड़ जाएंगे। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम 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 साई नाथ कथा ज्ञानामृत हमें पिलाओ, साईनाथ कथा में आओ, साईनाथ कथा में आओ, ज्ञानामृत हमें पिलाओ, साई राम राम साई राम 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 साई राम 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 साई राम। ऐ मेरे मालिक सारे जहां के दाता, बाबा तेरे हम अनाड़ी बच्चे हैं, ना हम वेद जानते हैं ना पुराण जानते हैं ना शास्त्र जानते हैं, हम तो केवल साई और साई को जानते हैं। बाबा कहते हैं कि हर काम की शुभारंभ गणेश के स्तवन से होता है, गणेश जी की आराधना से होता है, वाणी अगर शुद्ध करना है तो माँ शारदा का भी आह्वान होता है, और सद्गुरु जीवन में हो तो सब कुछ पा सकता है। पर मेरे दाता मेरे दयालु बाबा, हमारे लिए तो आप ही हो सब कुछ, आप ही तो सब साई गणेशा हो, आप हमारे लिए माँ शारदा भी आप ही हो बाबा। बस
आज के इस महोत्सव में, आज के इस कथा में, हम सबके जीवन में बाबा आपको साई गणेशा बन के आना है, साई शारदा बन के आना है और सदगुरु भी बन के आना है। जिन्हें लगता है कि हमारे जीवन में बाबा त्रिरूप से आए, वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे और गाएंगे। तुम साई गणेशा बन आओ, तुम साई शारदा बन आओ, तुम साई गणेशा बन आओ, तुम साई शारदा बन आओ, तुम सतगुरु बन के आओ, सत्य ज्ञान कदी जलाओ, तुम सतगुरु बन के आओ, सत्य ज्ञान कदी जलाओ, सब मिलके साई राम राम राम, साई राम राम राम, साई राम राम राम, साई राम, साई राम राम राम, साई राम राम राम, साई राम राम राम, साई राम राम राम। औरंगाबाद के पास दोपहर का समय, भरी दोपहरिया मई का समय ना था, ऐसे ही कुछ ऐसे ही दिन रहे होंगे। औरंगाबाद जिले में पैठण डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है धूपखेड़ा। वहां का एक पटेल चांद भाई पठान, पटेल था, बहुत जनावर थे, प्रेमी था। उसकी एक घोड़ी बिछड़ गई। 2 महीने से खोज रहा था, खोजते 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 औरंगाबाद पहुंच गया। पर औरंगाबाद पहुंचने के बाद में आखिर हार कर, मायूस होकर जब अपने गांव लौट रहा था, तो दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं जाके इस सिंदुन बिंदुन के जंगल में एक बार खोज लूं। और चांद पटेल उस जंगल में अपने घोड़ी को खोजने गए। खोजते खोजते घने जंगल में एक जगह पहुंच गए। प्यास भी बहुत लगी थी, तो अचानक ये चांद पटेल की दृष्टि एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए फकीर पर पड़ी। युवा फकीर, 16-18 साल की उम्र रही होगी, तेजस्वी रूप। और चांद पटेल कदम बढ़ाने ही वाला था, तो अचानक उस फकीर ने आवाज लगे, आओ चांद, क्या खोज रहे हो? हाँ, ये फकीर मेरा नाम जानता है, मुझे जानता है, पर मैंने तो कभी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए चांद पटेल ने कदम आगे बढ़ाया। चांद पटेल उस फकीर के पास पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, फकीर ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम, आओ चांद, क्या खोज रहे हो? मालिक, मालिक, आप मुझे जानते हैं? चांद, मैं सब कुछ जानता हूं। तो आप ये भी जानते होंगे मैं क्या खोज रहा हूं? हाँ चांद, घोड़ी खोज रहे हो ना? हाँ मालिक, मेरी घोड़ी बिछड़ गई, बहुत प्रेम करता था, मेरे घर में पली है, पैदा हुई है। इतना प्रेम करते हो अपनी घोड़ी से? हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उसका जन्म मेरे यहां हुआ था, छोटी सी बछड़ी थी, तब से मैंने पाला है हजरत। चांद, जो इंसान गुंगे जानवर पे इतना प्रेम करता है, वो तो भगवान भी खुश होता है, अल्लाह ताला भी खुश होता है। तेरी घोड़ी मिल जाएंगी। वो कैसे मालिक, मैं तो खोज रहा हूं। कोई बात नहीं चांद, उस नाले के पास जाओ और दिल से पुकारो, आवाज लगाओ, तुम्हारी घोड़ी मिल जाएगी। आखिरी बात उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी, फकीर कहता है तो जाना चाहिए। नाले के पास पहुंचा और पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, बिजली बिजली। देखते ही देखते घोड़ी, मालिक
मालिक मालिक मेरी बिजली आ रही है, मेरी बिजली आ रही। घोड़ी दौड़ के चांद पटेल के पास आ गई। चांद पटेल ने अपनी लगाम लगा दी, वो खोगिर जो कहते हैं घोड़ी के ऊपर रख दिया, उससे थोड़ा प्यार दुलार कर लिया और घोड़ी को लेके उस आम के पेड़ के पास आ गया। चांद पटेल बड़ा खुश था। फकीर बैठे बैठे कहते हैं, आओ चांद, अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, मुझे मेरी घोड़ी मिल गई। चिलम नहीं पिलाओगे? मालिक चिलम, चिलम जरूर पिलाऊंगा ना। चांद पटेल ने अपनी जेब में हाथ डाली, चिलम बाहर आ गई, कपड़ा निकाला, तंबाकू निकाला और मायूस होके कहता है, हजरत मेरे पास चिलम है, तंबाकू है, कपड़ा भी है, साफी है, पर मैं चिलम कैसे पिलाऊं? क्या बात है चांद? मालिक ये तंबाकू भिगाने के लिए पानी चाहिए था। तो पानी चाहिए तुझे? हाँ मालिक। तो मिल जाएगा। हजरत मैंने देखा है नाला सूखा है, मेरा घसा भी सूखते जा रहा है, पानी पीने की लालसा जागी है, बहुत प्यास लगी है। चांद कोई बात नहीं, तुझे पानी मिल जाएगा। जानते हो पानी क्या है? हजरत पानी तो पानी होता है। नहीं चांद, पानी माँ गंगा का रूप होता है और माँ अपने बेटे को कभी प्यासी नहीं रखती। चांद को कुछ समझ में नहीं आया और चांद पटेल देखते ही रह गया और भरी नजरों से उस फकीर की ओर देख रहा। उतने में उस फकीर ने अपना चिमटा उठाया, आसमान की ओर आंखें लगाई और आसमान की ओर दूर देखते हुए मुख से आवाज निकला और मुख से एक आवाज लगाते हुए उस फकीर ने अपना चिमटा जमीन पे पट गया, अल्लाह मालिक 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 कबड़ा, पानी पानी। जान तुझे पानी चाहिए था ना? ली पी ली जान, प्यास बुझा ले। चांद पटेल ने दोनों हाथों से भर भर के पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, तंबाकू गीला कर लिया और चिलम तैयार हो गई। मालिक चिलम तैयार है तो क्या चाहिए चांद? आप तो जानते हैं मालिक, तुझे अंगार चाहिए ना? हाँ मिल जाएगी चांद, अंगार मिल जाएगी। जानते हो अंगार क्या होती है? अंगार तो अंगार होती है मालिक। नहीं ये अंगार नहीं, ये अग्नि देवता है, ये अग्नि तत्व है। चांद हर जर्रे जर्रे में, हर कनकन में, हर पौधे में, हर पेड़ में, हर पत्थर में ये मौजूद होती है, तुझ में मुझ में। मालिक इंसान में अंगार होती है, पत्थर में अंगार होती है। क्यों चांद भूल गए? जब पत्थर पे पत्थर पटकते हो तभी तो अंगार निकलती है, तभी तो चिलम जलती है। सूखे पेड़ पौधे जब हवा से लहरते हैं, एक मेक से टहनियां घसती है, तब अंगार लगती है, तो आग लगती है जंगलों में। हाँ मालिक चल, तुझे चिलम पिलाने के लिए अंगार चाहिए ना? हाँ मालिक, तो वो भी मिल जाएगी। इस समय हजरत ने, उस फकीर ने अपना चिमटा उठाया और चिमटा उठाते हुए वो चिमटा अल्लाह मालिक कहते उस जमीन में घुसेड़ दिया और कहा, अल्लाह मालिक, और धुआं निकलने लग गया। मालिक मालिक अंगार, मालिक अंगार। चांद अरे तुझे आग चाहिए थी ना अंगार, ले चिलम नहीं जलाओगे? चांद पटेल ने देखा जैसे ही चिमटा बाहर आया उसमें तो एक धधकता हुआ अंगार का एक निवाला था। चांद पटेल ने चिलम आगे कर दिए, फकीर ने उसके ऊपर रख दिए, चिलम सुलग चुके थे। फकीर को चिलम देते हुए कहा, मालिक आप लीजिए। फकीर ने भी कश लगाया और चांद पटेल को दिया। चांद पटेल ने दो कश लगाए और तुरंत उसने पूछा, एक बात पूछूं? पूछो पूछो चांद, क्या पूछना चाहते हो? मुझे एक बताओ, आपने कहा अल्लाह मालिक, क्या आप भी मेरी तरह मुसलमान हो?